अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में आप सेल किस तरीके से कर सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। मुकम्मल तफसील के साथ इन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दी है यहाँ पर कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट जो है वो लोगों के मैसेजेस आए, बहुत से लोगों के मुझे कंप्लेंट्स आई कि उनकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलते हैं स्क्रीन सेल की तरफ। तो यहाँ पर एक बात और बता दी हूँ कि ये सेल को इतना आसान बनाया गया है यहाँ पर सेल प्रोसेस को कि आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आप ये यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर। कोई इसके अंदर माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। इनवॉइस क्रिएट करते वक्त बहुत आसानी के साथ ये इनवॉइस क्रिएट होगी। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर ओपन होते ही साथ ही आपने न्यू इनवॉइस पे आना है, तो उसके लिए हम इंटरफेस करेंगे, हमारी न्यू इनवॉइस स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देखेंगे इनवॉइस स्टार्ट होते ही साथ ये ब्लिंक हो रहा है ग्रीन बॉक्स। ये ग्रीन बॉक्स जो है इसके बार कोड के लिए, यहाँ पर हमने बार कोड इंटर करना होता है। अब बार कोड इंटर करने के भी दो तरीके हैं, एक है स्कैनर के जरिए इंटर कर सकते हैं, एक मैनुअल इंटर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो सेटिंग की गई है वो है बार कोड स्कैनर की, आपको स्कैनर के जरिए इंटर करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे अगर आप बार कोड स्कैनर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मेरे से भी सेटिंग करवा सकते हैं। आप खुद भी यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर कि इसको आप जब मर्जी चाहें बार कोड ख़त्म करके आप जो है मैनुअल इंटर कर सकते हैं स्कैनर को ख़त्म करके। और इसके अलावा एक जो है ना यहाँ पर एक ऊपर खाना है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर हम जो है प्रोडक्ट को बाय नेम सर्च करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से कीबोर्ड से पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे। ये देखेंगे आपका हमारा ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हमने यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का कोई भी पहला वर्ड लिखेंगे तो उसकी जो लिस्ट है जो भी उससे जो है ना कहते हैं ना जो भी प्रोडक्ट्स बनते होंगे वो सारे यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएंगे। जैसे मैंने एक ही प्रोडक्ट ऐड किया हुआ पी, ये पी लिखा तो उसके पी से जो बनता होगा प्रोडक्ट या जो भी बनता होगा ना वो इसका अल्फाबेटिकली यहाँ पर आपको लिस्ट में शो कर देगा। एक सर्च करने का तीन तरीके ये हो गए, और चौथा तरीका एक और भी है, वो इससे भी मज़ीद आसान है। अगर आपको बार कोड भी नहीं पता, आपको उसका पहला लेटर भी नहीं पता, तो कुछ भी पता हो उस प्रोडक्ट के बारे में तो उसको सर्च किया जा सकता है। उसके लिए जो है आप आल्ट ए का बटन प्रेस करेंगे, आल्ट ए का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम उसके प्रोडक्ट का कोई भी लेटर हमें पता है, जैसे प्रोडक्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट हमने हमारी प्रोडक्ट का नाम ही प्रोडक्ट हमने रखा हुआ है। अब हमें उसका दरमियान वाला कोई लेटर पता है डी, जैसे हम लिख देते हैं डी लिख देते हैं, तो ये डी लिख के हम इंटर प्रेस करेंगे तो डी जितनी भी प्रोडक्ट में आ रहा होगा ना वो यहाँ पर शो कर देगा प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पर यानी इतनी आसानी के साथ आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब इनवॉइस क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जस्ट सेलेक्ट करना है, आपने इंटरव्यू प्रेस नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली खुद से इसको सिलेक्शन करेगा और उसको यहाँ पर ले आएगा। बहुत से सॉफ्टवेयर मैंने देखे हैं उसके अंदर ये होता है कि वहाँ पर मैनुअल आप इंटर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं मैनुअली, फिर उसके अंदर चेंजिंग करते हैं उसके अंदर, और चेंजिंग करते हैं इतना टाइम लगता है, फिर उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करना पड़ता है वहाँ से, फिर जाके यहाँ सिलेक्शन में आता है वो। जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको करना, सिर्फ प्रोडक्ट जो है बार कोड स्कैनर है तो स्कैनर से स्कैन करना है, बटन भी प्रेस नहीं करना आपको, ये ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करेगा यहाँ पर ले आएगा। और उसके अलावा प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने ऊपर सर्च किया तो मैंने सिर्फ सर्च किया उसको और मैंने और कोई बटन नहीं प्रेस किया, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ गया। सिंपल से इनवॉइस क्रिएट करने का तरीका पहला बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल वाला बताऊँगा। तो ये यहाँ से एंड का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है आपने, ये एंड का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए फाइनल स्क्रीन पर हमारे पास आ गई। यहाँ पर अगर फर्दर कोई डिस्काउंट है तो वो देंगे, और यहाँ पर जो रिसीव अमाउंट है वो लिखेंगे, और अगर कोई ज़्यादा अमाउंट दिए कस्टमर ने, फॉर एग्जाम्पल 500 दिए तो उसको चेंज नीचे चेक करने के लिए चेंज बताया गया, ठीक हो गया। तो हम इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हमारी इनवॉइस सिंपल सी इनवॉइस क्रिएट हो गई है, ठीक है। और इसके बाद हम मज़ीद इसके डिटेल फीचर्स में जाते हैं। अब अच्छा अब हम वन बाय वन जो है इसका तरीका, पहला तरीका जो है वो बार कोड स्कैनर से है, ठीक है। तो स्कैनर मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम, इसलिए वो मैं तरीका नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपको चेक करवा सकता हूँ कि स्कैनर का क्या वर्क है, ठीक है। तो स्कैनर का वर्क ये है कि आप ये यहाँ से मैनुअल बार कोड जो है इंटर करने लगेंगे तो इंटर नहीं होगा आपसे, ये देखें आप कोई भी लिखेंगे ना वो एरर दे देगा, बार कोड लिखने की इजाज़त ही नहीं आपको देगा, वो एरर दे देगा आपको साथ, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि स्कैनर एक्टिव है यहाँ पर, स्कैनर के बगैर आप जो है ना बार कोड इंटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप को मैंने दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये है कि आपका बाई डिफ़ॉल्ट जो है आपका ज़्यादा यूज़ बार कोड स्कैनर के बगैर है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको सेटिंग में ही इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दूंगा, बार कोड के बगैर स्कैनर के बगैर जो है बार कोड इंटर होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी है इसकी, जो बार कोड स्कैनर से स्कैन हो जाएगा, जो इसका तरीका है। अच्छा, ये एक तरीका ये हो गया, ये जो इसका बार कोड स्कैनर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं चेक नहीं करा सकता।
दूसरा तरीका जो है वो बार कोड मैनुअल इंटर करने के लिए है। ठीक है, हम पहले प्रोडक्ट का बार कोड देख लेते हैं क्या है। यहाँ से स्टॉक में जाएंगे, डिटेल में यहाँ पर प्रोडक्ट का बार कोड ये देखें 100802 इसका बार कोड है। ठीक है, तो हम स्केल दोबारा सेल पर जाते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कीबोर्ड से ही इंसर्ट इंसर्ट का बटन प्रेस करते हैं। इंसर्ट का बटन सिर्फ प्रेस करना है हमने। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये देखिए चेकबॉक्स हुआ, ये चेकबॉक्स हो गया। ये अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये पेज आप जब पेज अप का बटन दबाएंगे ना हम, ये पेज अप का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा हमारा और यहाँ से ये डिसेबल कर देगा। इसका मतलब ये है कि स्कैनर जो है वो हमारा जो है अनेबल हो गया और जो मैनुअल बारकोड सिस्टम है वो डिसेबल हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसको डिसेबल करना है और मैनुअल बारकोड इंटर करना है, तो कीबोर्ड से जस्ट आपने इंसर्ट का बटन प्रेस करना है और अब आप जो है कि बारकोड जो है इंटर कर सकेंगे। ये आप देखें इंटर, अब कोई वो एरर नहीं आया, कुछ वो नहीं आया। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारी सेम वही जो है वो हो जाएगा और उसी तरह बाकी इसका सेम प्रोसेस है। हम यहाँ कीबोर्ड से एंड बटन प्रेस करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। दो तरीके हो गए। थर्ड तरीका जो है वो प्रोडक्ट का जो है बाई अल्फाबेटिकल सर्च करने का, वो ये देखें यहाँ से पी लिखा हमने। ठीक है, आपका प्रोडक्ट का कोई भी पहला लिखेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नीचे ले आए इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप उसी तरह सेम वही प्रोसेस एंड का बटन प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी। तीन तरीके, और जो चौथा तरीका है वो हमारा ये है कि हमें प्रोडक्ट का ना पहला लेटर पता है उसका, ना नाम पता है, कुछ भी नहीं पता हमें। जस्ट कोई उसका जो है कोई दरमियान वाला लेटर कोई जेन में आ रहा है उसका आपका, तो वो आप वो लिखने के लिए क्या करेंगे, आप आर्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ से उसका वो लिखेंगे, दरमियान वाला कोई भी लेटर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट का मैं डी लिख देता हूँ या आर लिख देता हूँ, या आर लिख के मैं एंटर करूँगा तो आर जितनी भी प्रोडक्ट में आ रहा होगा ना वो यहाँ पर सर्च कर देगा। ठीक है, आपने यहीं से कीबोर्ड से मैनुअल सेलेक्ट करनी है उस प्रोडक्ट को और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट वो आ जाएगी। ये तो हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन का हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की होती है, जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके अंदर हम ये डिस्काउंट इन परसेंटेज आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्काउंट इन रुपीज़ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये दो सेटिंग्स जो है ना प्रोडक्ट ऐड करते वक्त इसको वहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर वहाँ से ऐड सेट कर देंगे अगर फिक्स है डिस्काउंट यानी के, तो फिर यहाँ पर आपको दोबारा इंटर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर बस आपने जस्ट सिलेक्शन की और आपकी इनवॉइस के लिए कंप्लीट होगी। बट अगर आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज ही करना चाहते हैं इसके अंदर, तो पहली बार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसका, लेकिन वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बहुत आसानी के साथ बनाया गया है इसके अंदर। तो आप परसेंटेज में आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, यहाँ से F2 प्रेस करेंगे, वो उसको ओपन होगा, 10% डिस्काउंट देना, 20 जितना भी देना आप लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये डिस्काउंट हो जाएगा। इसी तरह आपने अगर डिस्काउंट रुपीज़ में देना है तो आप F3 प्रेस करेंगे, ये 10 रुपीज़ डिस्काउंट देना, ये 10 रुपये ये हो जाएगा। उसके बाद इसकी थर्ड नंबर है क्वांटिटी। क्वांटिटी नॉर्मली ज़्यादा एक होती है, इसलिए एक तो ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, बट अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसके अंदर भी इसके दो तरीके इसके अंदर रखेंगे। तो वो दो क्या है जी, पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे और ये जो है यहाँ पर क्वांटिटी इंटर करेंगे तो ये क्वांटिटी इंटर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो अगर आपने क्वांटिटी जो है 1x1 इंक्रीज करनी है तो उसके लिए और ज़्यादा आसानी कर देगी ये, तो वो क्या है जी, आर्ट क्यू दबाएंगे तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, आर्ट प्लस W प्रेस करेंगे तो वो एक क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक हो गया ये। इसके अलावा तीसरा तरीका भी है इनका, वो ये है कि आपने यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे माउस से कर सकते हैं। ये पहले तो मैंने आसान तरीका बताया कीबोर्ड का यूज़, तो लेकिन अगर कभी कीबोर्ड ना भी हो तो इसकी ज़रूरत पड़ जाए अगर माउस की, तो यहाँ से आप क्लिक करके भी इंटर कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तीसरा इसके अंदर एक और काम जो है वो ये कर सकते हैं आप कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आप सेल करते हो तो आपको अचानक से चेंज करनी पड़ जाती किसी भी वजह से, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आपने जस्ट यहीं से होम का बटन प्रेस करना कीबोर्ड से और तो या फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ अपडेट प्राइस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, न्यू प्राइस जो भी होगी वो लिखेंगे, जैसे मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ, पहले 200 थी ना, तो अब मैं 300 कर देता हूँ, इसकी कॉस्ट इसकी मैं 200 कर देता हूँ, इंटर प्राइस कर देता हूँ, तो अब ये देखिए 300 के हिसाब से सारी कैलकुलेशन हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। और इसके अलावा एक और चीज़ इसका इसमें क्या डाली गई है कि ऐड आइटम का ऑप्शन है, मतलब कि अगर प्रोडक्ट सेल करते हो कोई आपकी ऑलरेडी से ऐड नहीं है, आपको उस टाइम ऐड करनी पड़ गई है, तो उस सूरत में जो है आपको ये क्लोज करके दोबारा से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आप ऐड आइटम का प्रेस करेंगे कि और यहीं से प्रोडक्ट आप ऐड कर देंगे और उसके बाद आप सेल कर सकेंगे उस प्रोडक्ट को, सिंपल, बहुत सिंपल के साथ। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाती है कस्टमर को सेल, क्रेडिट के ऊपर सेल। जब हम ये तो सारी चीज़ नेट सेल के ऊपर,
अब अगर हम करना चाह रहे हैं क्रेडिट सेल या कस्टमर के नाम की सेल करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, हमारा ये कस्टमर ऐड है यहाँ से ABCDEF, ठीक है, इसका कस्टमर का जो है बैलेंस हमें शो हो जाएगा, उसका आईडी शो हो जाएगा साथ ही, ठीक है, और हम यहीं से ही इंटर प्रेस करेंगे और वो बाकी सेम प्रोसेस है। इसमें यहाँ पर एक चीज़ इसमें इस फिनिश स्क्रीन में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फिनिश स्क्रीन है ना, इसके अंदर अगर तो हमारी नेट सेल हो रही होगी तो ये रिसीव्ड अमाउंट जो है वो 100% रिसीव करनी होगी, ठीक है, जो क्रेडिट सेल होगी उसके अंदर जो है हम ये अमाउंट जितनी मर्जी रिसीव करें वो बाकी उसके खाते में चली जाएगी, इसको बैक करते हैं। अब इसके अलावा एक और कस्टमर के अंदर भी एक मसला आ जाता है, वो ये है कि जी कस्टमर का नाम ऑलरेडी से ऐड नहीं है, उसमें जो है वो मौके पे ऐड करना मुश्किल होता है, सारी बात है, वो दोबारा से क्लोज करें सकें, वो उसके लिए आसानी दी गई है, यहाँ पर आप कोई भी नाम लिखें, जो भी कस्टमर होगा जो ऐड नहीं होगा वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं ABC लिख देता हूँ, जैसे ABC लिख दिया, ठीक है, अब ये ABC जो है ना मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख के मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो ABC जो ऑलरेडी ऐड नहीं था, इसलिए वो उसने नया बॉक्स खुद ही मुझे शो कर दिया कि इसको ऐड कर लें, कस्टमर ऑलरेडी ऐड नहीं था, ठीक है, यहाँ पर हम इसको करेंगे ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, इसके अंदर कस्टमर यहीं से ही ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया, ये 3-4 फीचर हो गए। और इसके अलावा जो है जो इसके अंदर और क्या आसानी दी गई वो आप बताते हैं, इसको इसको एंड स्क्रीन पे हम जाते हैं, उससे पहले एक और चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, ये यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसको यहाँ पर इनवाइस वैल्यू है, टोटल डिस्काउंट है, ये टोटल वैल्यू है, क्वांटिटी है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, यहाँ इनवाइस डेट है और यहाँ पर इनवाइस नंबर है। अब उसके अलावा आपको ना ये कि ये ब्लैंक नजर, ये विदाउट हेडिंग्स ये दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये दो चीज़ें क्या हैं, ये दो चीज़ें जो हैं इसकी जो है ये इसकी कॉस्ट है, सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट है और ये टोटल प्रॉफिट इसके ऊपर आ रहा है, जो इसके ऊपर प्रॉफिट है वो ये आ रहा है और ये इसकी कॉस्ट हमें शो करेगा, ये इसलिए इसकी हेडिंग फ्री रखा गया ताकि कस्टमर अक्सर स्क्रीन कस्टमर के सामने होती है तो उस सूरत में जो है ये कस्टमर को ना पता लगे, इसलिए ऐसे यहाँ से वो हेडिंग नहीं देगी इसको। अब हम इसको एंड करते हैं, फिनिश करते हैं, यही वाला डाटा सारा हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसको जो है हम फिनिश कर देते हैं, सॉरी अमाउंट पहले रिसीव करते हैं हम, यहाँ 2600 है, इसको हम फिनिश करते हैं, ये हमारे पास इनवाइस आ गई, इसको सेव करना है सेव करें, लेकिन हमने इसको सेव नहीं करना, इसको कैंसिल कर देते हैं हम, ये हमारी इनवाइस जो है वो कंप्लीट होगी सिंपल। अब इसके अंदर एक और जो फीचर है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो मतलब बहुत से सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा ही नहीं, इतनी प्राइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको उसमें नहीं मिलेगा ये, वो क्या है जी, आपने जो है कोई इनवाइस आपकी गलत बन गई है, कोई डिलीट करना चाह रहे हैं आप इनवाइस, या डिलीट करना चाह रहे हैं या उसको एडिट करना चाह रहे हैं, उन दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर सीधे स्क्रीन पर आ जाना, यहाँ पर ये एक एडिट इनवाइस का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप देखें इनवाइसें आज आ रही होंगी आपको नज़र। अब यहाँ पर कौन सी इनवाइसेस शो होंगी जो आज के दिन की बनी हुई है, सिर्फ वही इनवाइसेस शो होंगी, आज से पहले की इनवाइसेस यहाँ शो नहीं की होंगी, सिर्फ आज की इनवाइसेस शो होंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पुरानी को इनवाइस सर्च करनी है तो यहाँ पर आपको इनवाइस नंबर इंटर करना पड़ेगा और वो एडिट पर क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगी। अब इस इनवाइस की भी डिटेल में आ जाते हैं, ये जो इनवाइसेस कटी हैं इनकी, इनके अंदर भी हम मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं, वो ये कि इनकी हमें मसाल के भाई इनवाइस बनी कटी है, इसकी अब डिटेल नहीं पता कि प्रोडक्ट कौन कौन से इसके अंदर सेल हुए हैं, हमने एडिट ये करनी भी है या कोई और एडिट करनी है, तो हम इंटरवेस करेंगे, ये हमारे उसके इनवाइस की प्रोडक्ट की डिटेल बता देगा कि ये प्रोडक्ट किस इनवाइस में सेल हुए हैं, बैक जाएंगे वापस उसमें आ जाएंगे हम, ठीक है, जो सी इनवाइस वो करनी है वो उसको सेलेक्ट करेंगे और एडिट डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, तो ये हमारे पास पूछेगा डिलीट करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं आप, यस करेंगे आप यस करेंगे तो ये हमारे पास देखिए इनवाइस आ गई। अब यहाँ से इसको आप एडिट करें रिमूव करें रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं, इसको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं आप, जो करना चाहें वो यहाँ से इजीली हो जाएगा, ये एडिट एंड करना है यहीं से, डिलीट करना है ये डिलीट करेंगे ये हमारी इनवाइस डिलीट होगी, यहाँ से प्रोडक्ट डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे तरीके से हम डिलीट नहीं कर सकते प्रोडक्ट जो इनवाइस है इसको डिलीट करने का यही तरीका रखा गया है। दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं इनवाइस तो वो सॉफ्टवेयर में ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम आएगा, वो ये प्रॉब्लम आएगा कि आप पुराने रिकॉर्ड निकाल रहे होंगे, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो आप यही समझेंगे हो सकता है हमने डिलीट कर दिया या ठीक है, तो मतलब कई मसले मसाइल आ जाते हैं रूटीन वर्क में, तो ये उसके अंदर वहाँ से डिलीट का ऑप्शन नहीं रखा गया कि आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको एडिट करना है, आपने एडिट करके डिलीट करेंगे तो उस समय यह है कि वो आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि डिलीट करना एक मुश्किल चीज़ है, वो रिकॉर्ड डिलीट करना सारी बात है, रिकॉर्ड डिलीट होता है, ये हो गया। तो ये हमारे जो है सेल स्क्रीन के फीचर्स आपको बताए हैं, ठीक है, कोशिश की है इसको मुकम्मल कवर करने की, कोई फीचर्स ज़्यादा हैं कुछ चीज़ रह गई हो तो हो सकता है मैं वो आपको मैसेज में या मतलब वैसे बता दूँगा आपको, तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।